बंद गोभी हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन एक अच्छे बड़े साइज की बंद गोभी का, अगर आप एक चौथाई हिस्सा भी इस्तेमाल करेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट इतना होता है। ये हम इस्तेमाल करेंगे जूलियन करके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहे आप गंदम का दलिया ले सकते हैं, आप चाहे आप जौ का दलिया ले सकते हैं। हमारे पास जो दलिया है ये इंस्टेंट वाला दलिया है, ये झटपट फौरन तैयार हो जाएगा, बिल्कुल भी कच्चा कच्चा आपको फील नहीं होगा और बहुत मजे का लगेगा। और अभी इतना सा आपको दिख रहा है, ये पकने के बाद बहुत फूलता है, बहुत ज्यादा जो है वो दिखाई देता है। साथ में हम इसमें यूज करेंगे हमेशा की तरह जो हम बताते हैं चिकन स्टॉक, असली मुर्गी का असली स्टॉक हम यूज करेंगे, यानी कि चिकन की यखनी इस्तेमाल करेंगे 2 कप। अच्छा जी, झटपट अब हम आ जाते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। चाइनीज दलिया की सबसे खूबसूरत बात यह है कि क्योंकि हम इसमें इंस्टेंट दलिया यूज करें तो झटपट तैयार हो जाता है, 15 से 20 मिनट में बहुत ही यमी सा दलिया तैयार हो जाता है। 1 और ये 2, इसको अगर आप गौर से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने 2 खाने के चमचे यूज नहीं किए ऑयल के, 2 चाय के चमचे यूज किए, यानी खाने के चमचे से भी कम, कम से कम हम तेल यूज करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट मैं यूज कर रही हूँ 1 टीस्पून, बहुत ज्यादा इसलिए नहीं, कभी कभी क्या होता है कि जब हम चिकन की स्मेल को, मटन की स्मेल को कम करने के लिए बहुत ज्यादा लहसुन का पेस्ट यूज करते हैं ना, तो वो फिर लहसुन लहसुन पूरा खाना आपका हो जाता है और आपको लगता है कुछ कच्चा है शायद खाने में, तो वो एक्चुअली लहसुन की ज्यादती होती है। इसलिए हम सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे करेंगे गोल्डन ब्राउन। काफी सारे लोग सिर्फ ये सुनते हैं कि दलिया सेहत के लिए अच्छा, फौरन गंदम का दलिया बहुत सारा खाना शुरू हो जाते हैं। गंदम का दलिया इज डेफिनेटली गुड, लेकिन जौ का दलिया उससे भी बेहतर ऑप्शन है। क्यों? बहुत सारा फाइबर है जौ के दलिये में, जितना ज्यादा फाइबर आप लेते हैं उतना ही आपको फायदा इस तरह से होता है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, आपका जो बाउल मूवमेंट है वो काफी हद तक जो है वो अच्छा रहता है, फास्ट रहता है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जौ के दलिये के बारे में जो कि हमें नहीं पता, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, जितने भी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनको हम कहते हैं जी फाइबर का इस्तेमाल अपनी लाइफ में आप बढ़ा दें, डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, मोटापे के पेशेंट्स के लिए, ओबेसिटी के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है अगर आप नाश्ते में जौ का दलिया इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में मजीद बताते हैं इससे पहले कि हमारा लहसुन बहुत ही गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसमें झटपट जल्दी से हम ऐड करेंगे चिकन 1 पाव। अच्छा, कोई सॉस इस वक्त मुझे इसमें ऐड नहीं करनी, सिर्फ मैं पहले चिकन का कलर तब्दील करूंगी, थोड़ी सी आंच हम करेंगे तेज। जब भी सब्जी बनाए ना या कोई भी चीज बनाए, कोशिश करें कि आंच अगर आपकी तेज है तो फौरन ही थोड़ी देर में कम जरूर कर दें, बिकॉज हमें किसी चीज को जलाना नहीं है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बिल्कुल खत्म नहीं करना, सिर्फ एक हल्का सा इसका कलर है जो कि चेंज होना चाहिए। आपको भी लग रहा होगा कितनी सारी चिकन है, लेकिन क्या करें, जब हम दलिया बनाते हैं ना तो दलिया लोगों को खिलाने के लिए बड़ा जरूरी है कि आप उसमें इंटरेस्टिंग चीजें भी ऐड करें। जैसे अभी हमारी टीम मेंबर कह रहे थे कि इसमें आप मिर्च मसाले जरा ज्यादा ऐड कीजिएगा ताकि लोग खा सके इसे, तो हम इसको बड़ा चटपटा सा बनाएंगे, सो दैट चाइनीज मसालों के बहाने हम जौ का दलिया खाएं, गंदम का दलिया खाएं, बहुत सारा फाइबर इसमें होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने की बहुत ज्यादा जो है वो खसूसियत इसमें पाई जाती है, इन द लॉन्ग रन आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत यूजफुल एक चीज होती है जौ का दलिया स्पेसिफिकली। और ये चिकन को झटपट कलर इसका बदल चुका है। अब मैं क्या करूंगी, अच्छा मेरे पास अब चॉइस है, अगर मैं चाहूं पहले इसमें सब्जी ऐड करके उसे पका सकती हूँ, क्या होगा सब्जी बोरिंग हो जाएगी, सब्जी फीकी हो जाएगी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से सब्जी खाने का लोगों का दिल नहीं चाहता कि उसको आप नॉर्मल नमक में भूनते हैं, हल्के से चिकन के साथ भूनते हैं। पहले हम सॉसेज ऐड करेंगे, फिर हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। 1, 2, 3 और सिर्फ और सिर्फ 4 खाने के चमचे चिली सॉस। आपको लग रहा होगा कितनी सारी सॉस है, लेकिन अब जब आप बाकी चीजों की मिकदार देखेंगे आप बोलेंगे सॉस तो बहुत ही कम थी। इसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस,